आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप एक ऐसी जगह में जगें जहां का टेम्परेचर माइनस में हो और आपको 4-5 लेयर कपड़े ओढ़ कर ही सोना पड़े, पानी ऐसा हो जिसे पीने पर ऐसा लगे कि दांत ही न गिर जाएं, और सुबह की ठंड इतनी भयंकर कि आप धूप निकलने से पहले बिस्तर छोड़ने की सोच भी ना सके, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी इस तरह की ठंड के बीच अपने डेली काम के लिए टेंट से बाहर निकलना पड़े, और काम क्या है ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, और आखिर इतना रिस्क क्यों उठाना, वो भी किस काम के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक डेली रूटीन है यारसा गुम्बा हंटर यानी कीड़ा जड़ी ढूंढने वाले लोगों का। हिमालयाज के टॉप रीजन में करीब 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई के बीच ये कीड़ा जड़ी पाए जाते हैं, जिसके अपने ही बहुत सारे फायदे हैं। शायद आपको इसके बारे में पता हो, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस सीरीज की पिछले वीडियोस से आपको पता चल जाएगा। इसी कीड़ा जड़ी को पाने के लिए एक इंसान को कई मुश्किलों से होकर गुजरना होता है, और वो मुश्किल क्या है वो आज आप इस वीडियो के जरिए जानेंगे, जहां पर हम देखेंगे एक यारसा गुम्बा हंटर की रोजमर्रा की जिंदगी। कड़ाके की इस ठंड के बीच कीड़ा जड़ी खोजने वाले इन लोगों को कई सारे काम करने होते हैं, जैसे कि पानी लाना, लकड़ी लाना, खाना बनाना। अगर आप एक टेंट में ज्यादा लोग हैं तो ये काम बांट सकते हैं, वरना अगर आप अकेले ही हैं तो फिर सारे काम आपको अकेले ही करने होंगे, और ये सारे काम आपको धूप आने से पहले ही निपटाने होते हैं, ताकि धूप आने तक खाना खाकर और तैयार होकर आप जड़ी खोजने निकल जाएं। इस हाई एल्टीट्यूड वाली जगह में जड़ी खोजना जमीन में एक सुई खोजने के बराबर है, जिसके लिए इंच बाई इंच जमीन को ध्यान से देखकर इन जगहों में जड़ी ढूंढी जाती है। ये जड़ियां जमीन से कुछ ही इंच लंबी होती हैं, जो अक्सर नीली सफेद या फिर कभी कभी देखने पर लाल रंग की दिखती हैं। ये जड़ें किसी भी जगह में हो सकती हैं, तो इन्हें ध्यान से देखने पर ही ये जड़ियां दिखती हैं। जड़ी मिलने के बाद इसे जमीन से खोदा जाता है और उस जगह को फिर से मिट्टी से भरा जाता है। कमर झुकाए और लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। इस बीच कई ऐसी रिस्की जगहें भी पार की जाती हैं जहां जान का खतरा होता है, ये सब सिर्फ एक जड़ी के लिए। सुबह धूप आने से लेकर शाम तक इसी स्थिति में लगातार जड़ी ढूंढी जाती है। इस बीच इन जगहों में कई तरह के नजारे और स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन मौसम साफ होते हैं तो आराम से आप जड़ी देख पाते हैं, लेकिन अधिकतर दिन इन जगहों में मौसम चुटकियों में बदल जाता है, जैसे कि कभी तूफान, कुछ दिन भयंकर कोहरा, कुछ दिन भयंकर बारिश, तो कभी ओले बर्फ का भी सामना करना होता है। ऐसी सिचुएशन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेंट में वापसी करनी होती है, वरना मौसम अगर ज्यादा बिगड़ जाए तो आप इन जगहों में कहीं भी फंस सकते हैं। कहते हैं कि कीड़ा जड़ी ढूंढने की कला भी काफी एक्सपीरियंस के बाद आती है। इसका कारण ये है कि एक एक्सपीरियंस वाले कीड़ा जड़ी हंटर को उन सभी इलाकों के बारे में मालूम होता है जहां जड़ियां फूलती हैं, और जड़ी ढूंढने के लिए आपकी नजर एकदम सटीक होनी चाहिए, फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि आप घंटों तक एक टक इस जमीन में ये जड़ियां देख पाए। और ये सब एक्सपीरियंस आता है समय के साथ। समय बीतने के साथ साथ यहाँ के वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आते रहते हैं। जहाँ मई में ये जगहें एकदम सूखी होती हैं, तो वहीं जून के महीने में ये जगहें हरी भरी हो जाती हैं। इन बड़े बड़े पेड़ पौधों के बीच जड़ी ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है। कभी कभी कीड़ा जड़ी ढूंढने के लिए दूर दूर के इलाकों में जाना होता है, जिस वजह से एक कीड़ा जड़ी हंटर को दिन भर चलना होता है। इसके लिए आपको और दिन के मुकाबले जल्दी उठकर अपने बाकी काम निपटाकर उस जगह को निकल जाना होता है, जहां से आप शाम तक ही वापसी कर पाएंगे। यहां सुबह खाना खाने के बाद सीधे शाम को ही खाना खाते हैं, सिर्फ दो वक्त का खाना। तो दिन भर आप एक समय का खाना खाकर ही इन जगहों में जड़ी ढूंढते हैं, या फिर आप चाहें तो कुछ हल्की फुल्की चीजें भी खा सकते हैं जिससे आप इस भूख से लड़ सकें। लेकिन ये सब शुरुआत के दिनों में ही मुश्किल लगता है, समय बीतने के साथ साथ आपको इसकी आदत पड़ जाती है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक यहाँ हर दिन एक ही तरह का रूटीन फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ दिन यहाँ इंजॉय भी किया जाता है, ताकि आप एक बार फिर से पूरा मन लगाकर अपने काम में लगे रहें। तो दिन भर जड़ी देखने के बाद आप या तो शाम को टेंट में आते हैं, या फिर ये मौसम आपको वापस टेंट में जाने पर मजबूर कर देता है।
कुछ दिन आप बारिश से बचने के लिए गुफा में छुप सकते हैं, लेकिन मौसम कितना भयंकर होगा बता पाना मुश्किल होता है, इसलिए टेंट में आना ही सबसे सेफ काम है। टेंट में आने के बाद गीले कपड़े सुखाए जाते हैं या फिर आप सही हैं तो चाय बनाकर चाय पी जाती है, और मौसम के हिसाब से अपने शाम के कामों में लग जाना होता है, जो है पानी लाना, लकड़ी लाना और फिर खाना बनाना। और इन कामों के बीच थोड़ा समय मिलता है तो थोड़ी देर शाम को शांति में बैठना। शाम को भी सुबह की ही तरह अंधेरा होने से पहले खाना खाकर, बर्तन धोकर और अगले दिन की प्लानिंग करके बिस्तर में चले जाना होता है, क्योंकि धूप जाने के बाद यहाँ फिर से शरीर जमा देने वाली ठंड होती है। और फिर से अगले दिन सुबह उठकर इसी रूटीन को फॉलो किया जाता है हर दिन के लिए इस जंगल में। तो ये था एक कीड़ा जड़ी हंटर का डेली रूटीन, जिसमें उसे कई मुश्किलों से होकर गुजरना होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।